अलीगढ़ में कारगिल शहीद दिवस और चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाई गई। इस उपलक्ष्य में अलीगढ़ के अचल ताल स्थित आर समाज मंदिर में हिंदू जागरण मंच ने विचार गोष्ठी का आयोजन किया। आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे को लेकर आयोजित गोष्ठी में हिंदू जागरण मंच के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र सिंह भगौर ने समुदाय विशेष के खिलाफ विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि समुदाय विशेष के लोग लव जिहाद, पर्यावरण जिहाद कर देश में गंदगी फैला रहे हैं। हिंदू समाज को देश से भगाना चाहते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ बंद कराए जाने को लेकर प्रदेश महामंत्री ने डीएम पर भी टिप्पणी की है। आज का आयोजन मथुरा अलीगढ़ महानगर की हिंदू जागरण मंच की टीम के द्वारा आंतरिक सुरक्षा पर एक गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कारगिल शहीदों पे, क्योंकि आज कारगिल शहीद दिवस भी है और चंद्रशेखर आज़ाद जयंती के उपलक्ष्य में ये गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस गोष्ठी के अंदर देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा को लेकर के कारगिल में शहीद हुए हमारे वीर जवानों के लिए चर्चा हम लोग करेंगे और चंद्रशेखर आज़ाद जी को हम लोग श्रद्धांजलि भी देंगे। हमारे वीर शहीद जो हुए हैं कारगिल शहीद, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आंतरिक सुरक्षा पे बहुत गंभीर मुद्दा है, इस पर बहुत गंभीर चर्चा हम लोग करेंगे। देश के अंदर बैठे हुए गद्दारों को कैसे चिन्हित करें हिंदू जागरण मंच। पूरे हिंदुस्तान के अंदर गली मोहल्लों में, बड़े बड़े शहरों में, हर जगह पर गद्दार लोग जो बैठे हुए हैं, जो देश के अंदर खाते पीते देश का हैं, देश की सारी व्यवस्थाओं को हिला के रखा हुआ है। पता नहीं कब कहाँ पर ब्लास्ट कर दें, कब कहाँ पर जहर मिला दें, कब किस हिंदू के साथ बलात्कार हो जाए, कब किस हिंदू का लव जिहाद हो जाए, कहाँ हिंदुओं की लैंड जिहाद हो जाए। इस तरह की घटनाएं जो लगातार देश के अंदर बढ़ती जा रही हैं, उन सब पर हिंदू जागरण मंच पूरे हिंदुस्तान में 25 राज्यों में हमारा संगठन काम करता है और गंभीर विषय है ये आंतरिक सुरक्षा। इस पर हम लोग लंबे समय से मांग करते आ रहे थे और अभी भी मांग कर रहे हैं कि जैसे NIA हमारे जैसे आंतरिक सुरक्षा का मामला देश का जब रहता है, आतंकवादी जितने भी आतंकवादी गतिविधियाँ इस हिंदुस्तान के अंदर होती हैं, हमारी जितनी भी सुरक्षा एजेंसी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिए जाएं। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने एक बिल पारित कराया है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार हमारी सुरक्षा एजेंसियों को दिए हैं कि कोई भी हिंदुस्तान के अंदर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाया जाएगा या आतंकवादियों का समर्थन करता है या देश के प्रति जयकारे लगाता है या उनको धन मुहैया कराता है या उनको संरक्षण देता है या उनको निवास उपलब्ध कराता है या उनको टेलीफोन उपलब्ध कराता है या फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से किसी भी माध्यम से उनको समर्थित करता है, ऐसे लोगों को तुरंत हमारी देश की सुरक्षा एजेंसियां आतंकवादी घोषित कर सकेंगी। और वो हिंदुस्तान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान से हट करके बाहर भी कहीं पर भी कोई भी हमारे देश के प्रति गद्दारी करेगा, देश के प्रति आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ तुरंत हमारे देश की एजेंसियाँ उसे वहाँ से भी अरेस्ट कर पाएंगी और उनको आतंकवादी घोषित कर पाएंगी।